नमस्कार। चलिए आज हम बनाते हैं सूजी केक, जिसमें मैंने मैदा का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे मैं 1.5 कप सूजी ली हूँ। यहाँ कोई भी सूजी लिया जा सकता है। सूजी को हमें मिक्सी जार में डाल के इसको पाउडर कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसे पाउडर कर लिया है। इस तरह से हमें कर लेना है। अभी इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं 1/2 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, खट्टी दही है, और 1/3 तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे घी बटर भी आप ले सकते हैं। 1 कप शुगर पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तीनों को हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर देना है कि मिक्स करते करते इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ये मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं जो सूजी को पीस के तैयार किया था उसको मिला देंगे और इसमें अच्छे से इसे स्पून से या बिस्क से फेंट देंगे। देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़े से नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक से केक में स्वाद बढ़िया आता है। अगर आप डालेंगे तो टेस्ट आपको पता चलेगा। देखिए इस तरह से मैंने घोल को तैयार कर लिया। अभी इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। तब तक इधर मैं कढ़ाई में नमक डाल के इसको 15 मिनट गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये मेरा इस्तेमाल किया हुआ नमक है। अब इसमें एक जाली डाल देंगे और इधर एक केक टिन को भी ग्रीस कर लेंगे तेल से और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। इस तरह से हमें अभी से भी साइड में कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा है। अब इधर सूजी भी सेट हो गया है। अभी यहाँ थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो मैं यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 चम्मच लगभग दूध का इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसी तरह के हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़े से टूटी फूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 बेकिंग पाउडर का डाल देंगे। 3 पिंच में सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, खाने वाला सोडा। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है केक का बैटर। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। 2 से 3 बार इसे हम टैप कर देंगे जिससे इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। इसके ऊपर से मैं टूटी फूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो टूटी फूटी को स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम जो मैंने कढ़ाई पहले से गर्म किया था उसमें डाल देंगे और 30 मिनट तक छोड़ देंगे। देखिए 30 मिनट के बाद केक कितना फूल गया है। अब इसे चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। अभी चक्कू में लग रहा है केक नहीं पका है। इसे फिर ढक के पकाएंगे। देखिए दोबारा इसे चेक करेंगे ढक्कन हटा के। अब इसमें नहीं लग रहा है केक पक गया है। मुझे केक पकाने में टोटल 45 मिनट लगा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए कितना केक ऊपर की तरफ फूल के आ गया है। ठंडा होने के बाद इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया नीचे से भी आया है, ऊपर से भी आया है। अब देख सकते हैं केक कितना सुंदर तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट भी तैयार हुआ है। अब इसे आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। बिना मैदा का सूजी का केक कितना बढ़िया तैयार हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।